अभी एक हफ्ता पहले धर्मेंद्र प्रधान जी मुझे मिलने आए थे कि नरेंद्र सिंह जी पदमपुर के क्षेत्र को फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा है। मैंने अफसरों को बुलाकर उनके साथ मीटिंग कराई, जो पैसा केंद्र सरकार को देना है वो सारा का सारा पैसा राज्य सरकार को केंद्र दे चुका है। अब केंद्र सरकार जो पैसा आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं बांट रही है। हम इसीलिए आपके बीच में आए कि आप प्रदीप पुरोहित जी को जिताकर मध्य प्रदेश की उड़ीसा प्रदेश की विधानसभा में भेजिए। ये प्रदीप पुरोहित इतने संघर्षशील आदमी है, ये राज्य सरकार के गले में हाथ डालकर पैसा निकालकर आपके खाते में भिजवा देंगे। अपना प्रतिनिधि ताकतवर होना चाहिए। आज अश्विनी वैष्णव जी अभी आपको बता रहे थे, मोदी जी देश भर का विकास करना चाह रहे हैं, लेकिन कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए जमीन नहीं मिल रही, कई प्रोजेक्ट राज्य सरकार ने साइन करके रख लिए, उन पर काम नहीं कर रही। इसके लिए राज्य सरकार का दोष है। जो इनपुट सब्सिडी की बात चलती है, अगर किसान का नुकसान होता है तो SDRF में हर साल 75% रुपया केंद्र सरकार देती है, उसमें से पैसा बांटना चाहिए। इंपोर्ट सब्सिडी नहीं दे रहे और जनता को गुमराह कर रहे हैं, और इसी के कारण कई योजनाएं जिनमें अफरा तफरी चलती रहती है।